मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने क्लास में जो अर्थ एंजल होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, आज हम ले रहे हैं क्लास हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि पिछली क्लास के दौरान ये दो जो डिसऑर्डर्स हैं न्यूनेटल वो रह गए थे, इसी क्लास में आज कल में हम पूरा करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये न्यूनेटल डिसऑर्डर इसको लेना जरूरी है, इसलिए पहले लेता हूँ मैं न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जन्म के बाद बच्चे में ग्लूकोज लेवल कम होना हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन को इंडिकेट करता है। हाइपोग्लाइसीमिया इज ए कंडीशन ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो विच कॉज इंक्रीज मोर्टिलिटी, यानी जो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है वह एक कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो अनएक्सप्लेन डेथ, यानी उसकी कोई डेथ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस प्रकार की जो न्यूरल डेथ हो जाती है और जो इंक्रीज करता है मोर्टिलिटी को, एंड और हाइपोग्लाइसीमिया जो इंसिडेंस और सीवियरिटी है, जो कंडीशंस जो डेवलप होती है वो किस कारण से होती है, कि जो आफ्टर द बर्थ फीडिंग को लेट स्टार्ट करना, या जो सप्लीमेंट है उनको टाइमली स्टार्ट नहीं किया जाता, तब ये कंडीशन डेवलप होती है और हाइपोग्लाइसीमिया की सीवियरिटी और इंसिडेंस को बढ़ाती है। ये कंडीशन भी काफ़ी सीवियर होती है न्यूनेटल के लिए। अब लेते हैं उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया इज डिफाइंड ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 3 mg/dL एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन एज, यानी गेस्टेशन एज यानी 37 वीक्स कंप्लीट करने के बाद जो बर्थ होती है उसके बावजूद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 40 mg/dL से कम होना हाइपोग्लाइसीमिया को डिफाइन करता है। अब ये कंडीशन जो है इन किन कारणों से होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कोज भी लेते हैं, पहले कोज कौन कौन से कारण है। पहला लो बर्थ बेबी एस्पेक्सिया, और इन्फेंट एंड डायबिटिक मदर, जैसे कि हम पिछली क्लास में इस डिजीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का डायबिटिक होना, फोर्थ कंडीशन हाइपोथर्मिया, पोलीसीमिया, RDS, respiratory distress syndrome, neurological disturbances, and ये फाउंड होता है, may be found IUGR या twins, जो smaller twins pregnancy होती है उसमें IUGR यानी intra-uterine जो growth है receptive हो जाती है, twins smaller pregnancy जो है pregnancy उसमें ये उसका कारण भी हो सकता है। और picolactic जो therapy होती है जो pregnancy के दौरान मदर लेती है, picolactic therapy जैसे कि साल्बुटामोल वगैरह जो ड्रग्स होती है वे मदर्स द्वारा यूज की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस कारण से ये डिजीज हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है।
तो कॉल में हमने जैसे देखा बड़ा कि कॉल में कई कारण से जैसे लो बर्थ बेबी, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, बर्थ एस्पेक्सिया, हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल सेप्सिस जैसे इन्फेक्शन भी जो है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को डेवलप करते हैं। आरडीएस हो गया, न्यूरो डिस्टर्बेशन हो गया, आईयूजीआर, स्मॉल इंटेस्टाइन स्क्लेरोसिस, पीआईएच, यानी प्रेगनेंसी इन हाइपरटेंशन, ये प्रेगनेंसी दौरान हाइपरटेंशन जो कि एक्लेम्प्सी और एक्लेम्प्सिया डिजीज को डेवलप करती है अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है, और आर एच एनबिलिटी जो इक्वलाइटिक थेरेपी। अब लेते हैं हम मैंने स्पेशन क्लिनिकल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो उसमें वो इंडिकेट करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया को, क्लिनिकल मैंने स्पेसिफिकेशन जो बड़ा है वो है कि एपनिया विद साइनोसिस, ये कंडीशन काफी गंभीर होती है। दूसरा टेकिपनिया विद इरेगुलर ब्रीथिंग, इसके अलावा भी कई कंडीशन होती है, सिम्टम होते हैं जिन्हें मिलते हैं, जैसे कि स्वेटिंग है और आपके लेथार्जी है, इरिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, कन्वर्जेंस है, कोमा है, ये कंडीशन सारी इसमें देखने को सिम्टम जो है हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे ट्रेमर्स है, झटके लगते हैं इसमें, और टीचिंग है, जिटरनेस है, घबराहट है, निपनेस है, और सबसे बड़ा जो है उसमें बच्चे की किडनी कम हो जाएगी, रिफ्यूज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्लिनिकल फैसिलिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपीएल साइनोसिस एंड टेकेपिया भी, फिर ग्लोबल ब्रीथिंग, इसके अलावा जो भी सब सेवेटिंग, ब्रीथिंग, लेथार्जी, इंटरप्रिटेशन, कवर्जन, कोमा, इस कंडीशन एंड पैलर हाइपोथर्मिया, ट्रेमर्स एंड टीचिंग, जिटरनेस, ये सभी कंडीशन इसमें सिम्टम जो है साइन सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। अब जो लेते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे अगर इस कंडीशन में जो नियंत्रण आफ्टर द बर्थ होता है, सबसे पहले ये कि हम अर्ली डायग्नोस करेंगे कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपोथर्मिया, यानी ये कंडीशन है तो हम जल्दी डायग्नोस करके इनको प्रिवेंट करेंगे। हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ेगा, न्यूनेटल एनवायरमेंट जो भी है आसपास का उसको मेंटेन करना, जो किसी से जैसे वार्म है या कोई प्रोटीज के कपड़ों के द्वारा हम हाइपोथर्मिया कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हाइपोक्सिया कंडीशन जैसे कि हमें प्रिवेंट करना है अर्ली ऑन हो सके, और नेक्स्ट इसमें मैनेज करने के लिए जल्द से जल्द हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग स्टार्ट 1-2 आपको 1 मंथ, यानी आफ्टर द बर्थ, यानी बर्थ के बाद आधे से घंटे के अंदर, हमें आधे से या एक घंटे के अंदर डूरिंग हमने हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, जिससे हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को मेंटेन कर सके। अगर इस कंडीशन से भी अगर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन मेंटेन नहीं होती है तब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट जो है न्यूनेटल के लिए स्टार्ट किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट 25 बोलस, यानी आई यूज की जाती है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। अगर कन्वर्जेंस वाली कंडीशन नहीं है, यानी किसी प्रकार की कन्वर्जेंस नहीं है, तब हम उसको 10 ml लेते हैं वही बोलस, यानी आई यूज। नेक्स्ट इसको जो ट्रीटमेंट देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन थेरेपी, कोर्टिसोल थेरेपी
पे स्टार्ट करते हैं 5 mg kg वेट के अनुसार 12 होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन देते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन थेरेपी जो भी स्टूडेंट्स जो भी हैं वो जो हाइड्रोकोर्टिसोन थेरेपी में आते हैं उनको हम देते हैं। नेक्स्ट है अगर इन्फेंट डायबिटिक मदर है तो एपिनेफ्रिन जो ड्रग्स है वो स्टार्ट की जाती है। अगर इन्फेंट और डायबिटिक मदर है तब या डीऑक्सीराइड तो ड्रग्स है वो दी जाती है। तो ये आपके है मैनेजमेंट कि हमने पहले तो सपोर्टिव मैनेजमेंट किया फिर हमने मेडिकल मैनेजमेंट किया जिसके द्वारा हम हाइपोग्लाइसेमिक डिसऑर्डर को हम आसानी से प्रिवेंट कर सकें। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस कैसे करेंगे इसको, प्रोग्नोसिस में क्या होगा, प्रोग्नोसिस में इसका जो प्रोग्नोसिस होता है बहुत पुअर होता है बिकॉज इसमें असिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक जो है कंडीशन होती है। असिम्प्टोमेटिक तो जो है ये कंडीशन में क्या होता है सर्वाइव करता है इसमें 5% जो कंडीशन है 5% यूनिट्स में मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन एंड कन्वर्जेंस वाली कंडीशन कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा जो सिम्प्टोमेटिक है बेस्ड पे इफेक्ट ऑफ डायबिटिक मदर उसको हम लेट अरवाइवल उसको हम कंडीशन को इजीली एक्सीडेंट मतलब कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं इसके। तो ये आपका प्रोग्रेसिस हो गया। अब अपने जो आज इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया आपकी कंप्लीट होती है कल हम जो नेक्स्ट डिजीज है जो कॉमन डिसऑर्डर है वो देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।